नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण राशिफल यानी भविष्यफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे महीने में आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा यानी जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिससे मनुष्य का जीवन चलता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा कि किस क्षेत्र में क्या स्थिति बनने वाली है। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं रहेंगी तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व आपको दो चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके जीवन में, इसके बारे में बताना चाहूँ। जिसमें सबसे पहला क्या है कि यह राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है, आप चाहें तो इसे लग्न राशि या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो क्या होती है मैं बता दूं। ऐसे तो आप कर्म प्रधान भी होते हैं, रिस्पेक्ट भी करना जानते हैं, इमोशनल भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आप कभी कभी सामने वाले का कॉपी करना चालू कर देते हैं कि वो इस तरीके से कर रहा है तो मैं भी करूँगा। निश्चित तौर पर जिस इंसान के अंदर छल कपट कम होता है, दूसरों के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल माइंड का नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दूसरों की बातों को कॉपी करने से अच्छा या सामने वाला किसी काम को कर रहा है उसको देख के अपने से काम करने से अच्छा खुद से कुछ नया इन्वेंट करने का कोशिश कीजिए और खुद से रिसर्च करके किसी भी क्षेत्र में आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, छल करना है, किस प्रकार से दिमाग लगाना है, किस प्रकार से मेहनत करना है, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो होता क्या है कि लोग भावुकता बस आपके कर्म क्षेत्रों से आपको भटका देता है और आप एक निश्चित तौर पे एक लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। इस पे ध्यान दीजिए, जीवन बहुत आगे बढ़िएगा, कड़वा सच्चाई है पर मेरा काम तो सच्चाई बोलना ही है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में 31 दिनों में कर्म क्षेत्र का हाल। वृषभ राशि वाले, आपके स्वामी जो लग्न के होते हैं शुक्र होते हैं और शुक्र जो है आपकी कुंडली में 7 जुलाई तक तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र पे वक्री बृहस्पति विराजमान है। एक सबसे बड़ा शुभ समाचार यहाँ पे यह प्रस्तुत होने वाला है। ऐसे तो 1 जुलाई तक कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी जहाँ पहले से शनि बैठा हुआ है वक्री अवस्था में। मंगल और शनि की युति टेक्निकल क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में अत्यधिक सफलता की प्राप्ति करवाता है और 7 तारीख से शुक्र भी सूर्य की राशि सिंह में चतुर्थ भाव में बैठ कर कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालना चालू कर देगा और 25 जुलाई से बुध भी यहाँ पे विराजमान हो जाएगा। मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया कि पहला तो लग्नेश की स्थिति अच्छी हुई जो मानसिक स्थितियों को ठीक करेगा और आपके जीवन में 7 जुलाई से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के योग दिखने चालू हो जाएंगे। 7 जुलाई से आपके जीवन में काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र में उच्च का माना जाता है मंगल, तो आपके नौकरी जो गई हुई वह भी पुनः वापस आ जाएगा। इसके अलावा कहीं आपका जो है व्यापार में धन फंस गया था वह भी वापस आ जाएगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के प्रयास कर रहे थे वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा और किसी कारण से गलत आरोप लगा करके नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था या बहुत ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन में चल रहे थे तो 7 जुलाई से यह भी इसमें भी तरक्की के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। मैं बात करूँ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का, बहुत ही सीधी बात करता हूँ, जहाँ बुध सूर्य शुक्र और मंगल अच्छे हो जाए वहाँ पे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलता है। यानी आपके जीवन में 1 तारीख से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में विशेष लाभ मिलना चालू हो जाएगा लेकिन 17 जुलाई से इसमें विशेष वृद्धि के अवसर भी दिखने चालू हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा पूरे महीने इनकम का हाल, आपके आय कारक बृहस्पति द्वादश स्थान पर निश्चित तौर पर गुरु चंडाल योग से ग्रसित थे। 1 जुलाई से मंगल चतुर्थ भाव पर बैठेगा और अपनी अष्टम दृष्टि से बृहस्पति की राशि मीन को देखना चालू कर देगा। यानी 1 जुलाई के बाद अचानक धन की प्राप्ति है। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कोई पैसे फंसे हुए थे, नए व्यापार को लेकर के कुछ पैसे फंसे हुए थे, यह सभी निकल जाएंगे। माता पिता से भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल मित्र की राशि सिंह में चले जाएंगे। संपत्ति संबंधित भी लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से भी लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगी। लेकिन एक मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपके सीनियर हैं, जो पिता है, इनसे थोड़ा तालमेल अच्छा रखिएगा। अगर तालमेल खराब होता है तो इनकम संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि शत्रुगत राशि पे और शत्रुगत ग्रह पे मंगल की दृष्टि भी जाएगी, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आप गलती कर बैठोगे और बोलोगे कि आपने बताया ही नहीं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं 17 जुलाई तक सूर्य धन स्थान में रहेंगे, 17 जुलाई तक अचानक अचानक धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए कोई बड़े मित्र का या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट मिल सकता है, ये भी एक अच्छा स्थिति दिख रहा है। विदेश यात्रा, एकदम सीधी बात बताना चाहूँ, पूरे महीने बहुत ही अच्छा है। 1 जुलाई से विदेश यात्रा के योग में विशेष वृद्धि मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन 17 जुलाई के बाद आपके जीवन में जाना तय है, यानी 1 से 17 के बीच में प्लानिंग सेट होगी। सीनियर अधिकारी का या परिवार का या खुद कर्म क्षेत्र में आप सफल होना चालू होंगे, लेकिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मैं बात यह करना चाहूँ कि 17 जुलाई के बाद तरक्की के विशेष अवसर हो जाएंगे विदेश यात्रा के लिए। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, निश्चित तौर पर 2 महीने से दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता, परेशानी, तनाव, डिप्रेशन चल रहा था। 1 जुलाई के बाद सेपरेशन से रिलेटेड समस्या हो या फिर जो है लव से रिलेटेड समस्या हो, यानी प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगी, और 1 जुलाई के बाद वैवाहिक जीवन आपका सुधर रहा है। बस मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो आपको थोड़ा सा झुक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि थोड़ी क्रू होती है। हालांकि अपनी राशि पे है तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल शांत नहीं बैठेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ी सी डिस्टर्ब अवश्य करेगा, परंतु जीवन साथी के तरक्की के अवसर को भी खोलेगा। 17 जुलाई तक प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि के अवसर दिखते हैं, और 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में वह रिलेशनशिप जो खराब हुआ पड़ा था या डिस्टर्ब था, परेशान था, एक दूसरे के बीच में मध्य में बातचीत नहीं हो रही थी, वह ठीक होनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, सीधी बात करता हूँ, 1 जुलाई से भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बहुत ही बेहतर मिलेगा, और 7 जुलाई से इसमें बढ़ोतरी होगा। मतलब 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में संपत्ति का योग वाहन का योग बन जाएगा। भौतिक सुविधाओं की जो वस्तुएं परचेज करना चाहते हैं वह होना चालू हो जाएगा, लेकिन 7 जुलाई के बाद किसी प्रकार का प्रॉपर्टी वेलिटिकेशन था, विवाद था, या पैसे को लेकर के परेशानियाँ थी, लोन या कर्ज में फंसा हुआ था, 7 जुलाई के बाद इससे रिलेटेड संभावनाएं दूर हो जाएंगी। पूरे महीने माता से बहुत ही बेहतर सुख है, पिता से बहुत ही बेहतर सुख है, संपत्ति से संबंधित अगर बात करूँ। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, एकदम सीधी बात बताना चाहता हूं, पूरे महीने शिक्षा और संतान का विशेष योग है, लेकिन 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य में बुध अपने कार्यतः तो स्थान तीसरे पे रहेंगे और ये पंचम स्थान के अधिपति हैं। मतलब 8 से 25 जुलाई के मध्य में जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा था, जिनको अच्छे जगह पर एडमिशन्स वगैरह नहीं हो पा रहे थे, उच्च शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह सभी चीज़ें में सुधार हो जाएंगे। द्वितीय संतान तो 1 जुलाई से ही उसकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आप अपने संतान के भविष्य को लेकर के कि जैसे एक उसकी तरक्की नहीं हो रही है, वो संपत्ति नहीं ले पा रही है, उसकी नौकरी वगैरह नहीं लग रही है, तो 25 जुलाई के बाद इसमें विशेष योग देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करूँ, एकदम सीधी बात करता हूँ, पूरे महीने स्वास्थ्य संबंधित अच्छी है। 2 महीने से यूरिन इन्फेक्शन, पेट संबंधित समस्याएँ, सिर दर्द, नेत्र संबंधी समस्याएं जो चल रही थी, इससे बचना चालू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने के योग है कि आपके जीवन में 1 जुलाई के बाद हेल्थ बहुत ही अच्छा सुधार होने वाला है। केस मुकदमा, सीधी बात करना चाहता हूँ, पूरे महीने लाभ का योग बहुत ही बेहतर है केस मुकदमा के। हालांकि कोई ऐसा केस जिसमें लिटिगेशन या संपत्ति विवाद है या ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है या फिर मेंटेनेंस को लेकर के या किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो 17 जुलाई तक इसमें निपटारा हो रहा है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, होशियारी दिखाएं। उपाय के तौर पे देखिए, पीला चंदन और केसर मिलाकर के पूरे महीने तिलक लगाइए, बृहस्पति के बल देना बहुत जरूरी है। पूरे महीने पीला धागा राइट हैंड में जरूर बांध करके रखें, स्त्री हो या पुरुष हो। और 7 जुलाई के बाद, क्योंकि मंगल और देखिए शुक्र की युति हो जाएगी, थोड़ा सा जिसको शुभ तो नहीं माना जाता है, तो 7 जुलाई के बाद माता लक्ष्मी को कपूर की आरती अवश्य दिखाइएगा। और इस महीने जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। उपाय के तौर पे मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, फिर भी थोड़ा सा कर्म पे ध्यान दीजिएगा। तो वृषभ राशि वाले, जो ये जुलाई का 31 दिनों का हाल है, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।